दोस्तों, सो नारुतो का सेकंड प्रोमो आ चुका है और फाइनली इसमें हमें हिंदी वॉइसेस सुनने को मिल गई हैं। आज हम उसके ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिली है उस बारे में, तो बिना किसी देरी के आज ही वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमल लवर चिट चैट, आज ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली नारुतो का सेकंड प्रोमो रिलीज हो गया है और हम उसमें नारुतो की आवाज सुन सकते हैं, साकुरा की आवाज सुन सकते हैं और शायद काकाशी सेंसे की। नारुतो को तो हमें बोलते हुए दिखाया है, पर बैकग्राउंड में हमें एक लड़की की वॉइस आई है और एक लड़के की हैवी वॉइस। लड़की की वॉइस गेस करके तो लग रहा है कि साकुरा ही हो सकती है, पर जो बैकग्राउंड में लड़के की वॉइस आई है, काफी लोग उसको सुनकर कह रहे हैं कि वो सास्के हो सकता है। पर मुझे लगता है कि वो सास्के की वॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो किसी छोटे बच्चे को ऐसी बड़ी वॉइस देंगे तो वो बिल्कुल सूट नहीं करेगी। तो इसके काफी चांसेस हैं कि वो वॉइस काकाशी की हो सकती है। पर अगर नारुतो की इस वॉइस को कार्टून नेटवर्क की वॉइस के साथ कंपेयर किया जाए तो ये वाली वॉइस बहुत लड़कियों जैसी साउंड कर रही है। शायद हो सकता है जिन्होंने नारुतो का पुराना डब देखा है उनके लिए ये वाला डब थोड़ा सा वियर्ड है। पर अब सोनी ने नारुतो के राइट्स खरीद ली है तो इसलिए कार्टून नेटवर्क का इससे अब कुछ लेना देना नहीं है। बट स्टिल मैं खुश हूँ कि एनिमे इंडिया में आ रहा है, इससे बड़ी गुड न्यूज हम सबके लिए हो ही नहीं सकती। अब जहाँ तक बात रही रिलीज डेट की, वो इस ट्रेलर में कंफर्म नहीं हुई। सब फैंस बहुत ज्यादा खुश थे कि नारुतो के सेकंड प्रोमो में एटलीस्ट रिलीज डेट तो पता लग ही जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है कि हमें नारुतो का एक थर्ड प्रोमो देखने को मिलेगा जिसमें हर चीज वो कंफर्म कर देंगे। पर जहाँ तक हमें लग रहा है वो अगस्त के मिड या एंड तक आने चाहिए। अगर आप लोगों ने नारुतो का ट्रेलर देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को नारुतो की वॉइस कैसी लगी, और बाकी वॉइसेस का भी जरूर बताना कि आखिर वो लड़की की और दूसरे लड़के की वॉइस किसकी हो सकती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।